Hello students, welcome you all. This is Abhishek Tiwari here and I'm welcoming you all on CPS YouTube channel. Here I'm just describing you the socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, मैं अभिषेक तिवारी आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ और मैं आपके बीच जो है socialism in Europe एंड रशियन रिवोल्यूशन के लेक्चर्स लेकर के हाजिर हूँ. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टूडेंट जो मैंने आपको शेयर किया वो रशियन रिवोल्यूशंस के जो अलग अलग फेजेस थे, जैसे 1905 का रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद फिर फेवरी रिवोल्यूशन पेट्रोग्राड में हुआ, एक इसका हिस्सा था. देन आफ्टर फेवरी कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव स्टडीड. आफ्टर फेवरी के बाद क्या क्या हुआ वो कॉन्सिक्वेंसेस हमने स्टडी किया फेवरी रिवोल्यूशन के बाद. अब एक और बहुत ही मेजर रिवोल्यूशन हमने स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 अक्टूबर का जो रिवोल्यूशन था उसको अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. व्हाट वाज दैट? ओके, सो एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट मीन्स जारिस्ट रूलर्स के बाद जो सरकार बनी उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा गया. ओके, एंड द बोल्शेविक ग्रीव और लेनिन के आने के बाद जो बोल्शेविक संगठन, बोल्शेविक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा था, तो इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप. लेनिन को ये डर था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, लेनिन और बोल्शेविक के कमज़ोर पड़ने के बाद कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप को अप्लाई ना कर दे, वो डिक्टेटरशिप सेटअप ना करते, तानाशाही ना पैदा करते. सो इन सेप्टेम्बर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो उसने अपनी पार्टी, अपनी बोल्शेविक में लोगों से डिस्कशन किया, अपनी पार्टी मेंबर से एक अपराइजिंग, एक मूवमेंट करने का अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खिलाफ एक रिवॉल्ट करने का उसने जो है अपनी टीम से डिस्कशन किया. बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर. और उसके इस डिसीजन पे बोल्शेविक सपोर्टर्स जो थे आर्मी में, जो सोवियट्स के मेंबर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, ये सब उसके साथ खड़े हुए. सो ऑन 16 अक्टूबर 1917, ओके, 16 अक्टूबर 1917 की बात है, लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राड सोवियत. लेनिन ने क्या किया, उसने पेट्रोग्राड सोवियत को यह समझाया एंड द बोल्शेविक पार्टी को भी समझाया टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर. उन दोनों को समझा करके, पेट्रोग्राड सोवियत को, बोल्शेविक पार्टी को, दोनों को समझा करके एक सोशलिस्ट सीजर, एक सोशलिस्ट यू नो सेज या गवर्नमेंट या सोशलिस्ट पावर को सेज करने के बारे में उसने एग्री कर लिया दोनों ही पार्टीज़ को. मिलिट्री रिवोल्यूशन कमिटी, एक मिलिट्री रिवोल्यूशन कमिटी जो है अपॉइंट की गई बाय द सोवियत अंडर द लेनिन ट्रॉट्स्की. ये नेम आप याद रखेंगे, लेनिन ट्रॉट्स्की, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है लेनिन ट्रॉट्स्की जो है. सोवियत यू नो रिवोल्यूशनरी कमिटी जो थी मिलिट्री की, उसके तहत एक मिलिट्री है पर्सनल जिसका नाम लियोन ट्रॉट्स्की था, उसको अपॉइंट किया गया टू ऑर्गेनाइज द सीजर. इस तरह के जो है यू नो पावर को अपने कब्जे में लेने के लिए ना, ऑर्गेनाइज करने के लिए, सीजर ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने इसको अपॉइंट किया, ठीक है, पेट्रोग्राड सोवियत ने. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट. जिस दिन ये इवेंट करना था उस डेट को सीक्रेट रखा गया, ओके, ऑल राइट. हालांकि यहाँ पे उसकी डेट दी गई है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं, ओके, कि डेट ऑफ द रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल फेबरी 1918 के पहले तक वहाँ पे जूलियन कैलेंडर, जैसे माया कैलेंडर जूलियन, जैसे शक संवत, जैसे विक्रमी संवत, जैसे हिजरी संवत, ऐसे ही वो जूलियन कैलेंडर्स को फॉलो करते थे. द कंट्री देन चेंज टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर. और उसके बाद फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर्स की ओर देश में मुड़ना हुआ कि उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चलना शुरू किया, विच इज़ फॉलोड एवरीवेयर टुडे. जो आज हर जगह पूरे यूरोप में, पूरे रशिया में फॉलो होता है. सो ग्रेगोरियन डेट्स आर 13 डेज अहेड ऑफ द जूलियन डेट्स. तो जो ग्रेगोरियन डेट्स होती हैं वो जूलियन से 13 दिन आगे होता है. सो बाय आउट कैलेंडर
सो भाई आओ कैलेंडर, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन 12th मार्च। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन की बात करें तो वह 12th मार्च को हुआ, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो इट टुक प्लेस ऑन द 7th नवंबर। ऑलराइट, तो ये डेट्स आप याद रख सकते हैं। फर्दर द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24th अक्टूबर, 24 अक्टूबर को ये अपराइजिंग शुरू हुआ। ओके, सो 24 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि 13 डेज आगे होता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर अकॉर्डिंग ये 13 नवंबर, ये 7 नवंबर को पड़ेगा। ठीक है, सो सेंसिंग ट्रबल को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे ना, जो उस प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी, वो शहर छोड़ के भाग गया। टू समन ट्रूप्स, सेना को बुलाने के लिए, सेना को इकट्ठा करने के लिए वो शहर से निकल गया। एट डॉन, शाम को जो है, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सेज द बिल्डिंग, मिलिट्री मैन जो कि सरकार के लॉयल थे, जो सरकार के विश्वास पात्र थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोर में ही सरकारी बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में ले लिया। ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स, दो बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स के बिल्डिंग्स को कब्जे में ले लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, जो सरकार समर्थित सेनाएं थी, वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस। ठीक है, उन्हें भेज दिया गया कि टेलीग्राफ ऑफिस और टेलीफोन ऑफिसेस को अपने कब्जे में ले लो ना, एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और जो वहाँ के राजतंत्र और उसका चिन्ह था विंटर पैलेस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्मी भेज दी गई। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी, ओके, और फिर तेज़ रफ्तार से रिस्पॉन्स करते हुए, जो सोवियत पेट्रोग्राड के द्वारा एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी बनाई गई थी, जिसका मुखिया जो है ट्रॉट्स्की को बनाया गया था, ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स, उसने अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर दे दिया टू सेज गवर्नमेंट ऑफिसेस, कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को अपने कब्जे में ले लो, एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, और जितने मिनिस्टर्स हैं उन सबको अरेस्ट कर लो। ओके, लेट इन द डे, उसी दिन शाम तक, द शिप अरोरा सेल टू द विंटर पैलेस, उसी दिन जो है अरोरा नाम की एक शिप जो है वो विंटर पैलेस तक जो है सेल करते हुए पानी में आई। अदर वेजल सेल्ड डाउन द नेवा, बाकी और जो और जो वेजल्स थे वो नेवा रिवर से तैरते हुए, मतलब उसमें चलते हुए आए, एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और कई मिलिट्री पॉइंट्स को ना ट्रॉट्स्की के बढ़िया निर्देशन में उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। बाई नाइट फॉल, रात होते होते, द सिटी वॉज अंडर नाइटफॉल तक अगर देखा जाए तो जो शहर था वो ऑलमोस्ट एक ट्रॉट्स्की की बेहतरीन युद्ध संचालन की वजह से वो पूरा का पूरा जो शहर था, इट वॉज जस्ट अंडर द कंट्रोल, ओके, अंडर द कमिटी कंट्रोल, एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो सरेंडर कर चुके थे एट द मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड। उसके बाद फिर ऑल रशियन कांग्रेस की जो पेट्रोग्राड में ऑफ सोवियत की, सारी रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की जो मीटिंग हुई पेट्रोग्राड में, द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन, अधिकतर लोगों ने जो है बोल्शेविक एक्शंस का विरोध नहीं किया, बल्कि उनकी एक्शंस को जो है उनको उन्होंने शाइन दे दिया, उन्हीं को चेक मार्क दे दिया। ओके, सो अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, फिर उसके बाद ये एक एग्जाम्पल की तरह बना, फिर दूसरे शहरों में भी अपराइजिंग पहुँचने लगा, ये विद्रोह और दूसरे शहरों में पहुँचा। देर वॉज हैवी फाइटिंग, बड़े और शहरों में बहुत हैवी फाइटिंग्स हुई, स्पेशली मॉस्को में अगर देखा जाए। बट बाई दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, जो देश के दो सबसे बड़े एरिया थे पेट्रोग्राड एंड मॉस्को, उनको तब तक जो है कंट्रोल कर लिया गया था, इन सेनाओं की ओर से कंट्रोल कर लिया गया था। ओके, तो ये जो है ओवरऑल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी जो उस समय वहाँ पे हुई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कम्प्लीटली तब जा कर के इसको अगर देखा जाए तो फाइनली जो है बोल्शेविक्स के कंट्रोल में पूरी की पूरी गवर्नमेंट आई। ओके,
बोल्शेविक्स कंट्रोल में चीज़ें आ पाई तब तक। तो ओवरऑल ये कुल मिला के चेंजेस थे। इसके यहाँ पे एक क्रॉनिकल्स दिए गए हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 1850 टू 1880 जो है डिबेट्स ओवर सोशलिज्म, सोशलिज्म इन रशिया, फिर 1898 में फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ओके 1905 में ब्लडी संडे से कहते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ 1905, फिर इसका सेकेंड फेज 1917 में स्टार्ट हुआ, सेकेंड मार्च में अबडिक्शन ऑफ जारों का अंत हुआ, जार रूल का 24 अक्टूबर जो मैंने बताया आपको, बोल्शेविक अपराइजिंग हुआ पेट्रोग्राड में, और फाइनली जो है ये कम्प्लीटली जो है बोल्शेविक्स के हाथों में आ गया पावर, जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट से लेकर के बोल्शेविक्स के हाथों में आ गया। अभी हम लोगों को सिविल वॉर पढ़ना है कि सिविल वॉर का फॉर्मेशन कैसे, सिविल वॉर शुरू हो गया उसी दौर में 1818 से 1820 के बीच में, जब बोल्शेविक्स ने चार्ज लिया, तो फिर फॉर्मेशन ऑफ यू नो कॉमिंटर्न की बात करेंगे, फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन की बात करेंगे, ओके तो ये सब चीज़ें अब व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें हम लोग बोल्शेविक्स का क्या हुआ और उन्होंने किस तरह से ओवरटेक किया पावर्स को, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो एक छोटे से लेक्चर में आज हम लोगों ने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अक्टूबर रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज भी इसी में ऐड करना है, एसोसिएटेड होंगे, बट आई विल जस्ट गिव यू दिस लेक्चर नेक्स्ट डे, देन यू वुड बी एबल टू एसोसिएट बोथ द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड ऑल्सो द changes after October revolution. So this is what the entire lecture, students. We shall meet in the next lecture where I'm just going, where I will be telling you about the what changed after October. This is what. Thank you. Thank you. Have a good day ahead.